Hello friends, today we will discuss about Age of Chaucer, that is the part 3 of History of English Language and Literature. Chaucer's lifespan is 1340 to 1400, but the whole 14th century is known as the Age of Chaucer. Chaucer is known as the father of English literature. Chaucer is known as the opening movement of English literature. Chaucer's lifetime in English history lived under three monarchs. He born in 1340 during the reign of Edward III and the succession of Richard II in 1377. The revolution of 1399, the deposition of the Richard II, the foundation of the Lancasterian dynasty. He died in 1400, the year after the accession of Henry IV. Introduction to Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer ki introduction dekhte hain. Belonged to the Middle English period, the morning star of Renaissance, born in London into the wealthy family. Very little known about his childhood, son of merchant Vintage. Vintage is a wine merchant. His father is a wine merchant. Enjoyed the advantages of a liberal education. He got very good education. Okay. Age of 17, court appointed. Court mein ko appoint kar liya jata hai. Age of 17 mein, page to the wife of the Duke of Clarence, Edward III's son. Then 1359, with the English army in France, taken prisoner but soon ransomed. ये बोला जाता है कि जो 100 year war चल रही थी फ्रांस और ब्रिटेन में, उसमें भी चौसर ने पार्टिसिपेट किया था और 1359 में इनको पकड़ लिया था फ्रांस की आर्मी ने, मगर इनको रैंसम यानी कि फिरौती देकर दोबारा से छुड़वा लिया गया था. और इनकी मैरिज भी हुई थी, ये मैरिड थे. वेलेट ऑफ अ किंग्स चैम्बर कंटिन्यूज टू बी क्लोजली कनेक्टेड विद द कोर्ट, सेंट ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशंस. तो ये कोर्ट के साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुकात था और इसी वजह से ये बहुत डिप्लोमेटिकल मिशंस पे जाते रहते थे कोर्ट के काम के लिए. ओके, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ ऑफ चौसर. बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं चौसर की लाइफ में. टू डिप्लोमेटिकल विजिट टू इटली. इटली में गए थे ये डिप्लोमेटिकल मिशन पे, कोई काम डिप्लोमेटिकल वर्क के लिए गए थे. इन्फ्लुएंस्ड बाय द इटालियन कल्चर, वहाँ पे इटालियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. वहाँ पे इटली में अर्ली रिनाइसेंस चल रहा था. मे हैव मेट आ पेट्रार्च एंड बेकाशियो. पेट्रार्च एंड बेकाशियो से मिले, जो इटली के बहुत ही फेमस राइटर हैं. मैनी रॉयल फेवर्स इवन सैट इन द पार्लियामेंट एज नाइट ऑफ द श्राइन ऑफ केंट. तो बहुत ये रॉयल, इनको बहुत रॉयलिस्ट फेवर भी मिला हुआ था चौसर को. बहुत ये जैसे पार्लियामेंट में भी बैठते थे और नाइट ऑफ श्राइन ऑफ केंट में भी, एज अ नाइट ऑफ द श्राइन ऑफ केंट. ओवरथ्रोन ऑफ द लैंचेस्टरियन. चौसर्स पैटर्न, जो चौसर के पैटर्न थे वो थे जॉन ऑफ कॉर्न. बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट, इनको बैनिश्ड कर दिया था कोर्ट से. ऑलमोस्ट फेल इनटू पॉवर्टी, तब ये बिल्कुल ही पॉवर्टी में, मतलब बिल्कुल गरीब हो गए थे. एक्सेशन ऑफ हेनरी फोर्थ. हेनरी फोर्थ का जब एक्सेशन हुआ, जो जॉन ऑफ गॉन के सन थे. ओके, ग्रांट ऑफ अ रॉयल पेंशन, वो उन्होंने इनको रॉयल पेंशन दी. लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर लाइफ, देन वो थोड़ा सा इनकी लाइफ में सुधार आया पहले, क्योंकि ये इनको मैनेज्ड कर दिया था और बिल्कुल पॉवर्टी में आ गए थे. और दोबारा से फिर जब हेनरी फोर्थ का एक्सेशन हुआ, इनको पेंशन मिली, तो थोड़ा सा लाइफ में सुधार आया. तो इसके साल के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है और इनको ब्यूरेट किया जाता है वेस्ट मिनिस्टर अबे में, जिसको पोल्स कॉर्नर भी बोला जाता है. देन इवेंट्स देखते हैं चौसर के टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वो सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे. चौसर्स इंग्लैंड, जैसे इवेंटफुल प्लेग फैला था, जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं. ऐसा माना जाता है प्लेग की वजह से इंग्लैंड की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो उनकी डेथ हो गई थी. रिबेलियंस, पेजेंट्स रिबेलियन देखने को मिलता है. करप्शन बहुत ही रोमन कैथोलिक्स में चौसर के टाइम में.
वॉर चल रही थी, जैसे 100 ईयर्स वॉर चल रही थी, जो 116 साल तक ये 100 ईयर वॉर चली। हैवी टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन मीन्स जैसे क्यों, क्योंकि ऐसा था ना, क्योंकि सारा जो वॉर्स पे इतना खर्चा हो रहा था, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी, उसका सारा बोझ पब्लिक के ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने क्या किया था, हैवी टैक्सेशन कर दिया था। देन कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, अगर हम कॉन्ट्रास्ट अगर देखें, हमें पेगेंट्री भी देखने को मिलती है, पिजेंट्री भी देखने को मिलती है, भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत भी उनका रिवोल्ट भी हुआ था पेजेंट्री का, मगर वो पॉवर्टी के साथ डील कर रहे थे, यानी कि खेती भी करते थे मगर गरीबी बहुत थी। रोबस्ट विगर और क्रिपल डिजीज आगे आ जाता है, एलिजेंट लिटरेचर एंड वाइड स्प्रेड इलिटरेसी हमें देखने को मिलता है, लिटरेरी लोग भी बहुत पढ़े लिखे भी थे मगर बहुत ज़्यादा अनपढ़ता भी थी, इलिटरेसी भी थी। रिवाइवल ऑफ रिलीजन फेथ, रिलीजन फेथ का भी रिवाइवल हो रहा था, मगर हमें ये कंट्रास्ट भी देखने को मिलता है कि करप्शन बहुत था उस समय चर्च में। 100 ईयर वॉर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चौसर के टाइम ऑफ पीरियड से, मतलब ये 100 ईयर चलता रहा, 1337 से स्टार्ट हुआ और 1453 तक ये 100 ईयर वॉर चलता रहा और ये 116 साल तक चला। तो हमें पता है 1066 AD में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जो विलियम द कंकर थे वो रूल कर रहे थे, है ना, वो रूल कर रहे थे नॉर्मेंडी और इंग्लैंड में। नॉर्मेंडी यानी कि फ्रांस का एक प्लेस है, नॉर्मेंडी, जो विलियम द कंकर थे वो दोनों पे राज कर रहे थे, फ्रांस में भी और इंग्लैंड में भी। और जो हेनरी थर्ड आती हैं, हेनरी सेकेंड आती हैं, तो उसके बाद हेनरी सेकेंड के बाद आती हैं एडवर्ड थर्ड, जो 1327 में आते हैं। उनके पास सिर्फ टू प्रोविंसेस थी, जो प्रोविंसेस ऑफ फ्रांस, जो प्रोविंसेस थी फ्रांस की एडवर्ड थर्ड के पास। ओके, तो होता क्या है, तो उसकी जो मदर होती है एडवर्ड थर्ड की, उसकी जो मदर होती है एडवर्ड थर्ड की, उसका नाम होता है इसाबेला, हिज मदर, जो सिस्टर होती है चार्ल्स फोर्थ की सिस्टर होती है। ओके, जो चार्ल्स फोर्थ होते हैं, उनका कोई भी हायर नहीं होता, जाने के उनका कोई भी वारिस नहीं होता, तो इसी वजह से क्या होता है, ये वो चाहते हैं भी ये जो इसका भतीजा है वो बन जाए, राजा बन जाए फ्रांस का, तो इसी की वजह से बस लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ब्रिटेन में। 100 ईयर वॉर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों में ब्रिटेन और इसमें फ्रांस में झगड़ा होता रहता है, 1337 से 1453 तक ये 100 ईयर वॉर चलती रही, और इसमें फ्रांस की जीत होती है, और जो ब्रिटेन के पास दो प्रोविंसेस होती हैं वो भी वो लूज़ कर देता है, वो सारी जो दो प्रोविंसेस थी वो भी फ्रांस के पास चली जाती हैं। तो चैलेंजिंग पीरियड कहा जा सकता है चौसर के पीरियड को, क्योंकि ब्लैक डेथ थी, जिसको प्लेग था ना, प्लेग की बीमारी थी वो थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मारी गई थी। तो 1348 से 49 तो ये आया था ब्लैक डेथ, और देन रीअपीयर्ड हमें देखे तो 1362 में, 1367 में एंड 1370 में भी हमें ये ब्लैक डेथ देखने को मिलती है। पेजेंट्स रिबेलियन हमें देखने को मिलता है, ये 1381 में आया था। देन करप्शन देखने को मिलती है चर्च में, और बहुत ज़्यादा इमेंस वेल्थ थी, स्कैंडल्स भी थे मोनेस्ट्रीज में, बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स भी चलते थे। 100 ईयर्स वॉर चल रही थी ब्रिटेन की फ्रांस के साथ, तो ड्रेन्ड द सोर्स ऑफ द नेशन, फेमिनाइन डेथ, एनार्की, वॉर, हैवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे इस पीरियड में। द थ्री मेजर इन्फ्लुएंस दैट शेप्ड चौसर्स एज, चौसर की एज को कौन से मेजर इन्फ्लुएंस ने शेप किया था, तो नंबर वन पे है द सोशल एंड द पॉलिटिकल अनरेस्ट, रेफॉर्मेशन दैन इज रेनेसेंस। तो इनके बारे में अगर हम देखें, बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। देन चौसर्स की राइटिंग की अगर हम बात करें, तो चौसर्स की राइटिंग को हम थ्री पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, नंबर वन इज फ्रेंच, दैन इटालियन, दैन इंग्लिश। तो ये इनका कौन इन थ्री पीरियड्स में कौन कौन सी राइटिंग्स आती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है चौसर के, जैसे ट्रायल्स एंड क्रेसिडे, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ हाउल्स, कैंटरबरी टेल,
ये पॉपुलराइजेशन ऑफ इंग्लिश एज अपोज टू फ्रेंच इटालियन और लैटिन। तो चौसर ही ऐसे पहले इंसान थे, पहले शख्स थे जिन्होंने फ्रेंच और इटालियन के बजाय इंग्लिश को ज़्यादा पॉपुलराइज किया। तो फ्रेंच पीरियड में हमने बात की ना, थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया गया है चौसर के वर्क को। तो जो फर्स्ट वर्क है फ्रेंच पीरियड, तो इसमें कौन कौन से वर्क आ जाती हैं, ट्रांसलेशन आ जाती है रोमन डे ला रासा, रोमन डे ला रासा जो इन्होंने ट्रांसलेट किया था इन्होंने वर्क, ओके। देन बुक ऑफ डचेस, बुक ऑफ डचेस ये एलजी एंड यूलॉजी है डेथ ऑफ द वाइफ ऑफ चौसर्स पैटर्न, जो चौसर के पैटर्न थे जॉन ऑफ गॉड, उनकी वाइफ के डेथ पे इन्होंने यूलॉजी और एलजी लिखी थी, और ये इन्होंने लिखी थी ओटावा राइम में लिखी थी। और एक और इन्होंने लॉन्ग पोइम लिखी, दैट इज ए बी सी अ प्रेयर टू द वर्जिन। ये थ्री इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, रोमन डे ला रासा, बुक ऑफ टचेस, ए बी सी अ प्रेयर टू द वर्जिन, दैट कम्स अंडर द फ्रेंच पीरियड। देन सेकेंड नंबर पे आ जाता है इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड में चौसर ने कौन कौन से वर्क लिखे हैं, नंबर वन पे आ जाता है द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम जो एक ड्रीम एलेगोरी एलेगोरिकल वर्क है, देन ये ऑक्टोसिलेबिकल कपलेट में लिखा गया है, ये एक सटायरिकल पोइम है। डेंटे की जो डिवाइन कॉमेडी है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होकर ये इन्होंने चौसर ने ये वर्क लिखा है। नंबर टू पे आ जाता है द पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ये भी एक ड्रीम विजन है, ये राइमा रॉयल में लिखा गया है, ये भी डांटे से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा है। और इसमें एक पैसेज भी है जो डायरेक्टली ही डांटे के वर्क से एज इट एज ले लिया गया है। इसमें दिखाया है उन्होंने शोज द मैरिज ऑफ किंग रिचार्ड सेकंड टू एन, रिचार्ड सेकंड की जो मैरिज है एन के साथ, वो रिप्रेजेंट की है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में जो इटालियन पीरियड के अंदर आता है। नंबर थ्री पे है चार्ल्स एंड क्रिसिडे, ये एक एपिक पोइम है, ये लॉन्गेस्ट पोइम है जो कि कंप्लीट पोइम है चार्ल्स एंड क्रिसिडे, ये राइमा रॉयल में लिखी गई है, इसको फाइव बुक्स में डिवाइड किया गया है। रॉबर्ट हैंडरसन रोड द सीक्वल, रॉबर्ट हैंडरसन ने इसी वर्क चार्ल्स एंड क्रिसिडे का सीक्वल लिखा है, दैट इज टेस्टामेंट ऑफ अ क्रिसिड। दैन नंबर फोर पे द इटालियन पीरियड में आता है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये जो वर्क है ये इनकम्प्लीट है, इन्होंने प्लान किया था कि वो 19 लेजेंड्स के बारे में लिखेंगे मगर नहीं लिख पाए, और ये हीरोइक कपलेट है। तो इटालियन पीरियड के अंदर कौन कौन से वर्क आ जाते हैं, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द ट्रायल्स एंड क्रिसिडे, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो आगे आ जाता है इंग्लिश पीरियड। इंग्लिश पीरियड में जो थर्ड पीरियड है, तो इसमें मोस्ट फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल, कैंटरबरी टेल में 24 स्टोरीज हैं, जो इनका जो कैंटरबरी टेल्स है वो इनकम्प्लीट वर्क माना जाता है। इसमें उन्होंने प्लान किया था 120 स्टोरीज को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से आपको कैंटरबरी टेल पढ़नी है। इनके कॉन्टेम्प्रेरीज की भी बात करी जाए, तो अगर चौसर के कॉन्टेम्प्रेरीज थे जॉन गावर, जो जॉन गावर थे 1322 से लेकर 1408 तक उनका लाइफ स्पेन है, ये फ्रिक्वेंट एंड अ सीवियर क्रिटिसिज्म करते थे, स्पेशली क्लर्जी के ऊपर, चर्च के ऊपर, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जॉन गावर। देन विकलिफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ट्रांसलेशन की थी बाइबल की लैटिन से इंग्लिश में, तो जिसकी वजह से बहुत लोग के मतलब पढ़ सकते थे अब, क्योंकि ब्रिटेन की ज़्यादातर इंग्लिश ही उनकी मेन लैंग्वेज थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, तो अब लैटिन से इंग्लिश में आया तो उनकी यानी कि वो पढ़ सकते थे, रिलीजन को जान सकते थे, बाइबल को पढ़ सकते थे, आम कॉमन पीपल भी पढ़ सकते थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखें चौसर के, तो ये आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे उनकी बर्थ हुआ था एडवर्ड थर्ड के टाइम पे, और वो रहे थे रिचार्ड सेकंड के टाइम तक पे, और उनकी डेथ हुई थी हेनरी फोर्थ के, एडवर्ड थर्ड के टाइम ऑफ पीरियड में वो बर्थ हुआ उनका, रहे वो रिचार्ड सेकंड में, और हेनरी फोर्थ के टाइम ऑफ पीरियड में उनकी डेथ हुई। ये फर्स्ट पोइट थे जिनको पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे में उनको ब्यूरिड किया गया, दफनाया गया।
चौसर डिवाइडेड सोसाइटी, उन्होंने उस अपने समय की जो सोसाइटी है उनको थ्री पार्ट्स में कन्वेंशनल एस्टेट में डिवाइड किया है. नंबर वन पे आ जाते हैं दो नाइट्स जिसको नोबेलिटी का नाम दिया है, देन द वर्किंग मैन जिसको ये थर्ड एस्टेट मानते हैं, देन द एक्लियास्टिक्स दैट इज जिसको चर्च बोलते हैं उसको. और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो चौसर के बारे में है, जैसे चौसर्स एज इज मार्क्ड विद करप्शन इन चर्च, डिक्लाइन इन फेडरल सिस्टम, राइज इन नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल कॉन्शियसनेस आ गई थी लोगों में, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस चौसर को बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन ये विक्लिफ को बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चौसर को बोला जाता है, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड ये स्पेंसर ने बोला है चौसर के लिए, चौसर लैक हाई सीरियसनेस दिस इज द स्टेटमेंट बाय मैथ्यू आर्नल्ड, चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ये भी मैथ्यू आर्नल्ड ने ये स्टेटमेंट दी है चौसर के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट चौसर्स एज. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. प्लीज लाइक शेयर एंड लाइक माई वीडियो and give me your suggestion for more improvement.